गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 की बुक से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है नवीनतम शब्द संक्षेप्त। ठीक है, मतलब लेटेस्ट एब्रीविएशन आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग वन बाई वन करके सारे एब्रीविएशन को देखते हैं जो हमारे नवीनतम शब्द संक्षेप हैं। तो रेज का फुल फॉर्म क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो रेज का फुल फॉर्म क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। अब हम आते हैं लेड, LEAD का फुल फॉर्म क्या होगा? लर्निंग through e-resources made accessible for Delhi. LEAD का क्या होगा? Learning through e-resources made accessible for Delhi. अब हम आते हैं होप, तो होप का क्या होगा? Helping out people everywhere. होप का क्या होगा? Helping out people everywhere. अब हम आते हैं साथी, तो साथी का क्या होगा? Sophisticated analytical and टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। एनकॉब का क्या होगा? नोबेल कोरोना वायरस। एनकॉब का क्या होगा? नोबेल कोरोना वायरस। अब हम आते हैं कोविड, कोविड का क्या होगा? कोरोना वायरस डिजीज। कोविड का क्या होगा? कोरोना वायरस डिजीज होगा। अब हम आते हैं आगे की तरफ, तो CAB और /CAA, तो CAB का क्या होगा? सिटीजन अमेंडमेंट्स बिल होगा, और CAA का क्या होगा? सिटीजन अमेंडमेंट्स एक्ट होगा। तो CAB और CAA, CAB का होगा सिटीजन अमेंडमेंट बिल और CAA का होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब हम आते हैं NRC, तो NRC का क्या होगा? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। NRC का क्या होगा? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। अब हम आते हैं बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का क्या होगा फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब आते हैं EVM, तो EVM का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT का क्या होगा? वोटर वेरीफाइड वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। VVPAT का क्या होगा? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब हम आते हैं नोटा, तो नोटा का क्या होगा? नन ऑफ द एबव। नोटा का फुल फॉर्म क्या होगा? नन ऑफ द एबव। अब आते हैं NDA, तो NDA का क्या होगा? नेशनल डेमोक्रेटिक एलियांस, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियांस। अब आते हैं UPA का क्या होगा? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियांस UPA। अब हम आते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड में, तो PPP का क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP का क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। FSSAI का क्या होगा? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। FSSAI का क्या होगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। MOU का क्या होगा? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ODF का क्या होगा? ओपन डिफिकेशन फ्री। ODF का क्या होगा? ओपन डिफिकेशन फ्री। और NGT का क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा। और PETA का पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। PETA का पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। NEFRA का क्या होगा? नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। NEFRA का क्या होगा? नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और RERA का क्या होगा? RERA, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। RERA का क्या होगा? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और LIFI का क्या होगा? लाइट फिडिलिटी। LIFI का क्या होगा?
लाइट फिडिलिटी। अब हम आते हैं आगे की तरफ, UNHRC का क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। UNHRC का क्या होगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। GST का क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। और भीम का क्या होगा, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी। और उदय का उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उदय का क्या होगा, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। और उड़ान का क्या होगा, तो उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। और PCS का क्या होगा, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल सिविल सर्विस PCS का होगा। और PSC का क्या होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन। PSC का क्या होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन। और UPI का क्या होगा, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। UPI का क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब हम आते हैं आगे की तरफ, तो NEFT का क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और IMPS का क्या होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का क्या होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं RTGS का क्या होगा, तो RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC का क्या होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उजाला का उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। उजाला का क्या होगा, उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। अमृत का क्या होगा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत का क्या होगा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय का क्या होगा, तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन। हृदय का क्या होगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन। ISIS का क्या होगा, ISIS का इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम सीरिया। ISIS का क्या होगा, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम सीरिया। नीति का क्या होगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ट्राई का क्या होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का क्या होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा का क्या होगा, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इरडा का क्या होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। UIDAI का क्या होगा, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का क्या होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और IRCTC का क्या होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC का क्या होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आशा का क्या होगा, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का क्या होगा, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हम आते हैं नाबार्ड का क्या होगा, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IMEI का क्या होगा, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI का क्या होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सेबी का क्या होगा, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और DTH का डायरेक्ट टू होम। DTH का डायरेक्ट टू होम। और NRI का नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI का क्या होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन। और CRR का क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो। CRR का क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो। और SLR का क्या होगा, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR का क्या होगा, स्टेचुअरी लिक्विडिटी
रेशियो, और LAF का क्या होगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF का क्या होगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और IPO का क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और NPA का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA का क्या होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब हम आते हैं आगे की तरफ, तो GPS का क्या होगा, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और CAG का क्या होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, NDRF का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF का क्या होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और CET का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और SARC का क्या होगा, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SARC का क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और KYC का क्या होगा, तो नो योर कस्टमर, KYC का नो योर कस्टमर, और PAN का क्या होगा, तो परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN का परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पे, फुल फॉर्म जो हमारे नवीनतम शब्द संक्षेप का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।